जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीता सोरेन ने मीडिया को बताया कि राज्य में 21 साल होने के बावजूद अब तक राज्य के मूल वासियों को हक नहीं मिल सका है। राज्य में जल, जंगल, जमीन की हो रही लूट से राज्यपाल को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री के समक्ष भी बातें रखी गई हैं। विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण और तारांकित के माध्यम से सवाल उठाए गए हैं, लेकिन एक भी जवाब नहीं आया है। राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। सीता सोरेन ने कहा कि राज्य में गुरुजी शिवू सोरेन और झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के सपने चूर हो रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी वो गौन हो गए। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी राज्य में जल, जंगल, जमीन की लूट मची हुई है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई विधायक नहीं है। अगर पार्टी नेतृत्व के पास शिकायत गई तो लिखित कागज क्यों नहीं दिखाते? कोई पत्र नहीं लिखा गया है। आरोप बेबुनियाद है। कोई भी विधायक हमारे खिलाफ नहीं है। कोई पत्र नहीं लिखा गया है। यदि है तो दिखाए। विधायक बोल रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग चार्टर्ड प्लान से दिल्ली गए थे। लेकिन आज एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड अलग राज्य बना और आज 21 साल होने के बाद भी हमारे यहाँ के जनता उपेक्षित ही है। जिस तरह से देखा जा रहा है, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी और हमारे जो कि पार्टी, हमारे पार्टी के जितने भी विधायकगण सभी भाषण में यही कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन की रक्षा किया जाएगा, लेकिन अब जब बारी आती है तो सब चुप रहते हैं। हम आप सबको यही कहना चाह रहे हैं, कथनी और करनी में क्या अंतर हो गई आज के डेट में? जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करने के समय जब आता है तो हम पीछे क्यों हो जाते हैं? मेरे संज्ञान में भी एक मुद्दा आई जो है कि क्षेत्र भ्रमण के टाइम में हमको मिला। कई वर्षों से CCL वन भूमि को अतिक्रमण करके रखे हैं और वहाँ पर आज का डेट में ट्रांसपोर्ट की कंपनी BLA और RKTC एक मनमानी तरीके से, जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, पिछली जो कंपनी है उन लोगों को काम दिए थे, आज का डेट में सबको निकाल दिया गया और वहाँ के स्थानीय लोग जो है कि धूल की सांस ले रहे हैं, कोयला का जो डस्ट उड़ता है उसके बीच में वो लोग रह रहे हैं और उन सबको काम नहीं दिया गया। हमने CM के सामने भी बात रखी, कई ऐसे क्वेश्चन ध्यान आकर्षण के माध्यम से भी आए, तारांकित के माध्यम से भी आए, लेकिन एक भी सही जवाब नहीं मिला। जब हम कह रहे कि पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में हमारे वन भूमि अभी खतरे में है, अतिक्रमण किया जा रहा है। विधायकों का क्या प्रूफ करता है कि उन लोग मेरे प्रति उन लोग शिकायत किए हैं? शिकायत हम तो सुन रहे हैं लेकिन कोई प्रूफ तो दिखता नहीं है, ना ही सिग्नेचर दिख रहा है। कौन सा पेपर में ये लोग साइन किए हैं वो दिखना चाहिए ना। जो बातें सामने आ रही है कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। तो आप ये बोल रही हैं कि कोई लेटर नहीं लिखा गया है आपके खिलाफ, आप तो दिखना चाहिए। कोई लेटर ऐसे हमको नहीं दिख रहा है, हमको नहीं लग रहा है कोई ऐसे विधायक मेरे खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 6 विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। नहीं नहीं, आप लोग को भी दिखना चाहिए ना, एक पत्र तो मिलना चाहिए। जैसे हम मीडिया को भी एक पत्र दे रहे हैं, हम किस लिए आज महामहिम के सामने हम उपस्थित हुए और ज्ञापन दिए? आपको भी एक पत्र है आप लोगों को। अच्छा, आपसे सीधा ही हम ही लोग पूछ ले रहे हैं क्योंकि अभी चर्चा चल रही है, तब क्या आप BJP से संपर्क में हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सरासर गलत है और बहुत गलत आरोप है मेरे ऊपर। इसके पीछे पता नहीं क्या षड्यंत्र है वो तो हम नहीं कहने सकेंगे, लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है।
रवि केजरीवाल जी के साथ तो आपके कहा जा रहा है कि आपके आवास भी आते हैं वहाँ से चीजें को लीड करते हैं। देखिए ऐसा इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। अब सच्चाई देखा जाए तो जिनके साथ मान लीजिए जो विधायक लोग इसके पीछे बोल रहे हैं, कुछ लोग तो दिल्ली भी गए थे चार्टर प्लेन से, तो सबसे पहले दोषी तो वो लोग हैं जो लोग लीड किए थे, चले भी गए थे।